अज्ञानता बस है, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं। ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। समझ नहीं है, ये प्रतीक के रूप में ये कविता है। बार बार दोहराना, अरे माइक नीचे करो सर, कोई बर्दाश्त के लायक नहीं है। गांव और गवाय में जो दबंग लोग, लाचार बेबस कमजोर, लांछित वंचित किसान मजदूर के साथ जो व्यवहार करते थे, उसके संदर्भ में कविता की पाठ है। राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बौद्धिक ब्राह्मण का आपने अपमान करने की कोशिश किया। बौद्धिक ब्राह्मणों का अपमान, इस देश से ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जीभ खींचने की बात कही थी, लेकिन आपने जीभ खींचने की बात कही, अभी यहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुन लिए ना, उस बात पे अटिक हैं आप? क्या अटिक? बिल्कुल अटिक है, क्या? तो हम बोल गए उसको रिपीट। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का। इसके अंदर चेतना रहेगा ये बात बोलेगा, बौद्धिक चेतना जिनके अंदर होगा वो अचेत अवस्था में इस तरह की बात करेगा। आप एक ड्रम दूध ले लीजिए, एक ढेला फिटकरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। ठीक है सर, जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकरी झा है, तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकरी झा है। राजद को बर्बाद करने की ताकत किसी में नहीं है। राजद को जिसने बर्बाद करने की हल्की सी कदम बढ़ाई है, उसकी राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सदन में कविता क्या पढ़ी, उसके बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को लेके आनंद मोहन ने सीधे तौर पे मनोज झा पर हमला किया और कहा है कि मनोज झा फिटकरी झा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरीय नेता प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। शक्ति जी, जिस प्रकार से पूरा जो बवाल मचा हुआ है, मनोज झा ने जो कविता गढ़ी, ये अज्ञानता बस है, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं, समझ नहीं है। ये प्रतीक के रूप में ये कविता है। गांव और गवाय में जो दबंग लोग, लाचार बेबस कमजोर, लांछित वंचित किसान मजदूर के साथ जो व्यवहार करते थे, उसके संदर्भ में ये कविता की पाठ है कि चूल्हा माटी का, माटी तालाब का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की है ना, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत का, खेत ठाकुर का। दर्द अगर मान लिए कोई कहीं से दर्द उठा है और देश भर में सक्रिय हो गए कई संस्थान इस सवाल पर, तो कहीं से तुकबंदी है क्या, कोई मतलब है, कोई जाति? यहाँ तो मान लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामनाथ ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर, गोपाल जी ठाकुर, ठाकुर तो टाइटल है। अरे ओ ठाकुर जो एक प्रवृत्ति है, जो आपके अंदर, मेरे अंदर, इनके अंदर, उनके अंदर बैठा है, उसको मारिए। लेकिन आप सीधे एक ब्राह्मण का अपमान, एक बौद्धिक ब्राह्मण का आपने अपमान करने की कोशिश किया। बौद्धिक ब्राह्मणों का अपमान, इस देश से ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मनोज झा जी के साथ, मनोज झा जी का लाइन पार्टी की लाइन है, पार्टी की लाइन है। हम लोग दबंग करने वाले, दबाने वाले, अधिनायक बात के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम जाति इसमें कहाँ आता है जी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है शक्ति जी, जब सब कुछ ठीक है और अपने अंदर, उसके अंदर ठाकुर मानने की बात कही जा रही थी, तो आखिर सबसे बड़ा बात है चेतन आनंद जी जिस प्रकार से लगा, इसके अंदर चेतना रहेगा ये बात बोलेगा। आप ही के ना विधायक, बौद्धिक चेतना जिनके अंदर होगा वो अचेत अवस्था में इस तरह की बात करेगा। लेकिन आनंद मोहन ने कहा है कि सीधे तौर पे आज के मुगालते में ना रहे। हम किसी को मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। बोले कि राजद मुगालते में ना रहे, मैंने बताया दबने वाले, डरने वाले। अरे छोड़िए रे, सब जाकर के दिल्ली में जाकर बताइए ना, यहाँ कहाँ बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? एक आखिरी सवाल है, वो बोले हैं कि मनोज झा जो है वो बीजेपी कमांड कर रही है और राजद को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। राजद को बर्बाद करने की ताकत मनोज झा पे आरोप किसी में नहीं है। राजद को जिसने बर्बाद करने की हल्की सी कदम बढ़ाई है,
उसकी राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है लालू जी से मुलाकात नहीं हुई आनंद मोहन जी की, इसी कारण पूरी तरह से कौन मिला दिल्ली में, वो क्या पता दिल्ली में किससे कौन मिला, यहाँ मिलने आए। देखिए सीधे तौर पे शक्ति यादव जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से मनोज झा पर बयानबाजी किया जा रहा है ये कहीं से भी सही नहीं है और पूरी तरह से राजद जो है वो मनोज झा के साथ है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित दर्शनी पटना।